झीलों की नगरी भोपाल, जितनी चर्चा इस शहर की खूबसूरती की होती है, यहाँ का राजनीतिक मिजाज भी उतना ही रोचक रहता है। अब जब लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तमाम दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, योजनाओं पर बात हो रही है तो कहीं विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। भोपाल लोकसभा में क्या है बीजेपी की तैयारी और क्या कहती है यहाँ की जनता, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त भोपाल के प्रत्याशी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आलोक शर्मा जी के साथ है, वो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पे वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हालांकि ये भाजपा का गढ़ रहा है भोपाल लोकसभा की जो सीट है, लेकिन क्या इस बार भी जनता कमल का फूल खिलाएगी या हाथ का साथ देगी, चलिए जानते हैं। भोपाल का आर्मा, भोपाल का आर्मा, भोपाल का सांसद कैसा हो, भोपाल का सांसद कैसा हो, भोपाल सीहोर लोकसभा सीट वैसे तो पिछले 40 सालों से बीजेपी का अभेद किला रहा है, जिसके चलते बीजेपी के कई बाहरी खिलाड़ियों ने भी यहां से दिल्ली तक का रास्ता तय किया है, लेकिन इस बार मुकाबला स्थानीय प्रत्याशियों के बीच है। कांग्रेस ने जहां स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने भी भोपाल के महापौर रहे आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। भोपाल के लोगों के लिए आलोक शर्मा जाना पहचाना नाम है, इसके बावजूद वे लगातार प्रचार में व्यस्त हैं। आलोक शर्मा मानते हैं कि भोपाल के महापौर रहते शहर के विकास के जो काम उन्होंने किए हैं, भोपाल की जनता उन कामों को जहन में रखकर उन्हें इस बार सांसद के तौर पर काम करने का मौका जरूर देगी। भोपाल लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा जी इस वक्त स्वदेश न्यूज में हैं। सर, देख रही हूँ भीड़ है, आपका ये रथ चल रही है, कैसा माहौल है, क्या कहेंगे आप? पूरे भोपाल में मोदी लहर दिख रही है, हर गली में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, हर परिवार से केवल एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। वो मध्य प्रदेश की इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भोपाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल की जनता ने दो बार मुझे पार्षद, एक बार मुझे महापौर के रूप में आशीर्वाद दिया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि भोपाल की जनता इस बार मुझे सांसद के रूप में अपना आशीर्वाद देगी। और भोपाल की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर सांसद बनाकर भोपाल की जनता दिल्ली पहुंचा रही है। इस बार भी भोपाल की जनता जीत के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी, क्योंकि भोपाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पसंद कर रही है। लेकिन ये बताइए, आप दो चरण के मतदान हो गए, लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत कम रहा है, वोटिंग कम हुई है, वो आप उससे आप लोगों को चिंता नहीं है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चुनाव बूथ पे नहीं लड़ रहा, ये चुनाव पन्ने पे लड़ रहा है भोपाल के अंदर। इस बार हम लोग हर घर में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता हर मोहल्ले में जा रहा है, और हमको इस बार हर हालत के अंदर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है। उस दिशा में चिंता भी हमको है, हर हालत में हम वोट का प्रतिशत बढ़ाएंगे और भोपाल में कमल खिलाएंगे। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच? हम विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर आज देश में 370 समाप्त हुई है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अगर आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मुस्लिम बहनों को
तीन तलाक का कानून बनाकर जो सम्मान दिया है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। पिछली बार यहाँ पे बड़ी बहुमत के साथ बीजेपी जीती थी, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा, प्रत्याशी बदल दिए गए हैं? देखिए, भोपाल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 1984 के बाद लगातार भोपाल की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा में पहुंचा रही है, सांसद के रूप में आशीर्वाद दे रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी को भोपाल की जनता इसलिए पसंद करती है, आज भोपाल में जितना भी विकास हुआ है, अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर आज भोपाल हेरिटेज सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भोपाल डिजिटल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भोपाल ग्लोबल सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भोपाल मेट्रो सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए भोपाल की जनता इस बार 35 साल के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है। आश्वस्त है आप? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का लाड़ प्यार दुलार इसने आशीर्वाद भोपाल के बेटे को मिलेगा और निश्चित रूप से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। अपने प्रचार के दौरान आलोक शर्मा जहां भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सरकार और अपने महापौर कार्यकाल के कामों का जिक्र करना नहीं भूलते, साथ ही राम मंदिर की याद भी मतदाताओं को दिला ही देते हैं। भोपाल से सांसद का प्रत्याशी बनाया है, आप लोग लगातार आज सुबह से ही दक्षिण पश्चिम विधानसभा के एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, आप लोग जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग आने वाले दिनों में एक एक घर जाएंगे, एक एक घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, परिवार परिवार जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। अशोक सैनी कमल का फूल खिला, दोनों हाथ ऊपर करो, बताइए कमल का फूल दीदी कैसे खिल रहा है भोपाल के, खिलाइए ना कमल का फूल। मुकेश राय जी, मुकेश राय तुमसे कह रहे कमल खिलाइए, कैसा खिलेगा बोलो। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अब की बार मोदी है तो, मोदी है तो, मुकेश राय जी मोदी है तो, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, 7 मई, 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 7 मई,
बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत बीजेपी का संगठन है। इसके साथ ही भोपाल के 7 में से 5 विधायक भी बीजेपी के ही हैं, जिनका साथ भी आलोक शर्मा को खूब मिल रहा है। विधायक भगवान दास सबनानी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के कामों के बूते वे भोपाल सीट रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। सबनानी जी, क्या कहेंगे, आज आपने प्रचार प्रसार किया आलोक शर्मा जी के साथ? आलोक शर्मा जी एक जीवटता वाले नेता हैं। भोपाल में 2 बार पार्षद हम लोग साथ में रहे, महापौर रहे भोपाल के, और जिस गंभीरता के साथ, जिस दूरदृष्टि के साथ उन्होंने भोपाल का विकास किया है, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मोदी जी के मार्गदर्शन में भोपाल को नए आयाम स्थापित करने का अवसर भाई आलोक शर्मा जी चुनाव जीतने के बाद देंगे। निश्चित रूप से आज भोपाल की जनता का स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति है। मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ भोपाल लोकसभा का चुनाव भाई आलोक शर्मा जी जीतेंगे। जिस तरह बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम पर भरोसा है, उसी तरह भोपाल लोकसभा की ज्यादातर जनता भी मोदी के लहर के प्रभाव में दिखाई दे रही है। क्यों भैया, किसको वोट दोगे? आप किसको वोट देंगी? हम मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को? जी। क्यों? हर कुछ, हर हर मोदी, घर घर मोदी भैया, सब कुछ सुविधा तो उन्होंने दे रहा है, और क्या चाहिए? कुछ बदलाव हो जाए, कुछ चेंज हो जाए भोपाल में? हाँ, हो जाए, वो तो मोदी जी ही कर सकते है ना। जी कर। चल, किसको वोट दोगी अम्मा? मोदी। क्यों? मोदी को देंगे। क्यों दोगी मोदी को? काहे नहीं देंगे? किसको वोट देंगे आप? मोदी। मोदी को? क्यों? देश के लिए काम कुछ कर रहा है इसलिए। चलिए, किसको वोट देंगे? जयपाल।
कुल मिलाकर धीरे धीरे ही सही भोपाल लोकसभा सीट का मुकाबला रोचक होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दो स्थानीय प्रत्याशियों के बीच जंग है, तो वहीं बीजेपी को राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का फायदा मिलने की भी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लगातार कई दशकों से भाजपा के पास रही है, हालांकि कांग्रेस ने इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता से जो हमने बात की, उनका कहना है कि खिलेगा यहाँ कमल, क्योंकि मोदी जी का मैजिक चलेगा। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।